हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। देखा कल बजट के दिन मूव नहीं हुआ, आज मूव हो गया। बजट वाला मूव आज हो गया। तो खैर जो भी हो, अगर कल किसी ने मेरा बजट वाला वीडियो देखा तो उसको तो अच्छा ही हुआ होगा, वॉट एवर। बट अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट मंथ का, मतलब फेब्रुअरी मंथ का पूरा व्यू, देन वीकली व्यू क्या लगता है, और इंट्राडे में भी क्या कर सकते हैं मंडे के दिन, एंड देन नेक्स्ट वीक कैसा दिख रहा है मुझे, नेक्स्ट मंथ कैसा दिख रहा है मुझे, वो सब पूरा बात करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, देन मिड कैप निफ्टी का मंडे को एक्सपायरी भी है, उसका भी बात करेंगे। तो ठीक है, तो चलो अभी चलते डायरेक्ट चार्ट, तो चलो एनालिसिस करते हैं। मंथली एनालिसिस पहले करते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम में लगा चुका हूँ क्योंकि मंथली एनालिसिस कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो मंथली क्या दिख रहा है मुझे, 45,600 के नीचे मंथली के लिए पूरा बेयरिश हो जाएगा। फर्स्ट हर्डल आएगा 44,500 के यहाँ पर, देन नेक्स्ट आएगा 43,400, इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। अभी जो 650 का लेवल है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है 650, यहाँ पर कुछ सेलिंग आपको सिग्नल मिलता है आवर्ली टाइम फ्रेम में, तो आप यहाँ पर कुछ सेल कर सकते हो, यहाँ पर आप मतलब सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट 650 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दे थोड़ा टाइम, देन आपका मार्केट साइडवेज हो जाएगा। हो सकता है ऊपर जो ऊपर का लेवल जो मुझे मैक्सिमम दिखाई दे रहा है 47,350, हो सकता है इसको क्रॉस करके 1-2 पॉइंट और चला जाए, 500 तक चला जाए, लेकिन मार्केट एक इसी रेंज में रहेगा, तब पूरा मंथ इसी रेंज में रहेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जाके 650 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो मार्केट एक रेंज बाउंड टाइप का हो जाएगा, वॉलेटाइल साइडवेज टाइप का हो जाएगा। और मार्केट अगर 650 को रेस्पेक्ट करे, देन वहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाए, देन तो वेल एंड गुड। और अगर मार्केट डायरेक्टली 45,600 को तोड़ दे, तब तो मार्केट पूरा बेयरिश बन जाएगा, देन आपको 43,400 तक का लेवल दिखाई सकता है। ये वाला एक पहले एक छोटा सा हर्डल है, ये वाला तो क्रॉस हो जाएगा, अगर फ्लो फ्लो में तोड़ता है तो ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये मंथली का है। देन अभी वीकली देखते हैं। वीकली के लिए देखो मैं आवर्ली टाइम फ्रेम लगा दिया, वीकली में भी सेम है। ये 450 वाला लेवल ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके या फिर कुछ भी करके मार्केट यहाँ तक पहुँच जाता है तो ये वाला आपको सेलिंग सिग्नल देगा। यहाँ पर अगर मिलता है आपको, देन आप इस सेल कर सकते हो। और अगर मार्केट 450 के ऊपर टिक गया, ठीक है, 450 के ऊपर अगर मार्केट टिक गया, देन आपका एक रेंज बाउंड टाइप का मार्केट हो जाएगा। देन आपका ये वाला रेंज भी मार्केट रहेगा पूरा वीक, ये वाला 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे, इस रेंज में मार्केट रहेगा। और अगर मार्केट 45,900 को तोड़ता है मंडे को हो ऐसा तोड़ता है, देन आपका 44,600 और 45,150 तक का लेवल दिखा सकता है नेक्स्ट वीक ही। अगर मान मंडे ट्यूसडे को ये तोड़ने से, तब आपको ये बड़ा वाला टारगेट भी मिल सकता है नेक्स्ट वीक। अगर मान लो ये वाला लेवल थर्सडे को टूटता है या फिर वेडनेसडे को टूटता है, तो आप पहले ये वाला टारगेट रखो। अगर ये वाला लेवल मंडे को ही टूटता है, देन आप बड़ा वाला लेवल भी रख सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, टारगेट और ऊपर 450 मैक्सिमम, मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर थोड़ा टिक गया, देन साइडवेज हो जाएगा मार्केट। ठीक है, और अभी इंट्राडे देखते हैं। बैंक निफ्टी का इंट्राडे में वही है, 350 वाला रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मंडे को नहीं रहना चाहिए। तो मंडे के लिए हम लोग तीन सिनेरियो देखते हैं। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन हो गया 45,700 के नीचे, बड़ा गैप डाउन यहाँ पर हो गया, देन आप वेट करो क्योंकि एक रिवर्सल आ सकता है। देन आगे थोड़ा सा ऐसे करके फिर ब्रेक करे, इस ऐसे ब्रेक करे, देन आप उसको बेयरिश पोजीशन बना सकते हो। क्योंकि मंडे को अगर गैप डाउन हो गया तो अच्छा खासा एक बन सकता है, क्योंकि 45,200 तक भी आ सकता है अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो। देन आप थोड़ा सा वेट करो प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, देन आप उसके बाद शॉर्ट पोजीशन बनाओ। और अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हुआ, इस ऐसा रेंज में ओपन हुआ, ओपन होके थोड़ा सा टाइम ऐसे स्पेंड करके, देन इट टूटता है 45,900, या फिर फ्लैट ओपन होकर पहले 10-15 मिनट में टूट जाता है, देन आप वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। 70-80 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, देन आपको पहला टारगेट ये 45,700, अगर ये फ्लो फ्लो में टूटता है देन आप होल्ड कर सकते हो। अब देख लो कि फ्लो फ्लो में टूट रहा है कि नहीं, टूटने से आप इसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये, और अगर बहुत बड़ा गैप अप दे दिया ना, लाइक 350 ऐसा रेंज है, तो अगर मान लो यहाँ पर गैप अप दे दिया, तब आप गैप अप में भी एक बार चांस ले सकते हो। इस लेवल को अगर देख रहे हो क्रॉस नहीं किया, गैप अप देने से थोड़ा सेलिंग आ रहा है, देन एक कैंडल के बाद और एक फिर से सेलिंग आ रहा है, देन आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। हाँ,
मान लो कि गैप अप दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। मान लो गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल बना थोड़ा सा नेगेटिव, फिर एक हल्का सा छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, देन ऐसा कैंडल फिर बन रहा है। जब इसे ये ब्रेक करेगा तब आप ट्रेड ले सकते हो, अगर गैप अप दिया बहुत बड़ा। हाँ, 350 ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर तो मंडे को मैं नहीं देख रहा हूँ। इनकेस मंडे इसके ऊपर मार्केट रहता है देन वॉलाटाइल मार्केट हो जाएगा, ऐसा जिगजैग मार्केट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है और थोड़ा टाइम ट्रेड करता है तो वॉलाटाइल बन जाएगा मार्केट। अभी देखते हैं निफ्टी मंथली करते हैं एनालिसिस, ठीक है, मंथली एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का भी सेम है, 22,000 मुझे रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, अभी 22,000 रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, ठीक है। और नीचे 21,650 ये वाला लेवल टूटा, तो 21,250 पहला, देन 21,50 दूसरा, ये वाला लेवल तक नेक्स्ट महीना दिख सकता है, मतलब इस महीना फेब्रुअरी मंथ, ठीक है। और जो ऊपर है 22,250 मैक्सिमम लेवल मुझे दिख रहा है, 22,250 मैक्सिमम लेवल मुझे दिख रहा है, 22,250 मैक्सिमम लेवल मुझे दिख रहा है। और 22,000 यहाँ पर अगर मार्केट जाता है, हाँ जाता है, देन यहाँ पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, देन डोंट हेजिटेट टू सेल। और अगर फ्लो फ्लो में ये टूट गया, अब बड़ा टारगेट प्लान करो, क्योंकि ये टूट गया ना तब पूरा आपको 1,000 पॉइंट जैसा मूव मिल जाएगा आपको निफ्टी में, देखो क्या होता है। और अगर मान लो कि ये जाता ही नहीं यहाँ पर, देन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके देन 650 को फिर तोड़ता है, नेक्स्ट वीक ऐसा तोड़ता है, देन आप यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हो और 50-100 रुपये का 100 रुपये जैसे स्टॉप लॉस लगा लो आपका ये वाला टारगेट। ये वाला तो आपको फ्लो फ्लो में टूट जाएगा शायद, अगर ये जल्दी टूटता है ये लेवल, मान लो 10 तारीख 12 तारीख से पहले टूट जाता है, 15 तारीख से पहले टूट जाता है, देन तो आपका ये वाला टारगेट कहीं नहीं गया। 15 तारीख से पहले टूट गया तो ये वाला टारगेट कहीं नहीं गया, क्योंकि एक दिन में 300-400 पॉइंट गिर के अपना वो कोटा पूरा कर लेगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर अभी निफ्टी का वीकली देखते हैं, निफ्टी वीकली में भी सेम है, ये 950 लेवल मुझे अभी रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है, 950, इसके ऊपर मार्केट टिक गया देन मार्केट साइडवेज हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, और इसको आप रेजिस्टेंस के हिसाब से ले सकते हो। और मान लो कि नेक्स्ट वीक डायरेक्टली ये लेवल टूटता है 21,800 टूटता है, देन 21,650 पहला लेवल रहेगा पे नेक्स्ट वीक के लिए, और देन 21,470 रहेगा। हाँ, और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर आपको कुछ सेलिंग सिग्नल मिले देन आप सेल कर सकते हो। पहला लेवल आपका रहेगा 650 देन आपका 470, लेकिन ये कब होगा, अगर मान लो मंडे को ही आपको 950 जाके यहाँ पर आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है तब करना। अगर ट्यूजडे वेडे जाता तो पहला टारगेट तब स्मॉल स्मॉल टारगेट रखो, क्योंकि अगर मंडे को ही होता है सब कुछ हो जाता है तो फिर आपका टारगेट बड़ा हो जाएगा। अगर ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे को हो रहा है तब टारगेट थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक है। अगर 950 में आपको थर्सडे को मिल रहा है तो 650 का टारगेट, 300 पॉइंट का टारगेट रखो। अगर मंडे को ही मिलता है तब आप 470 तक का टारगेट रख सकते हो, है ना। और अगर मंडे को इनके ये वाला भी ब्रेक करता है देन आप फिर भी ये वाला टारगेट रख सकते हो, तब आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट प्लान करते हो, तो मंडे को टूटने से डायरेक्ट ऊपर गया ही नहीं, डायरेक्ट टूटा, देन आप ये वाला टारगेट भी रख सकते हो। ये ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेल, मतलब मैं जो ऊपर वाला लाइन दे रहा हूँ ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलिंग सिग्नल मिलने से आपको सेल करना है। हाँ, अभी निफ्टी देखते हैं मंडे की इंटरडे के लिए, इंटरडे के लिए भी सेम है, ये 960 वाला लेवल ए इंटरडे का रहेगा, देन नीचे 800, देन 680 एंड 500। सेम आपको समझ में आया होगा कैसा, कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन देता है, इस लेवल पे गैप डाउन देता है, इसके नीचे देता है, कहीं पर भी गैप डाउन देता है, देन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन एक कुछ बना के एम पैटर्न ऐसा कुछ बना के मार्केट ब्रेक करता है, देन आपको सेल मिलेगा। और मंडे का बोल आप सोचोगे कि 500 तक लेवल क्यों दे, मंडे को हो सकता है एक फॉलो थ्रू मिले और अच्छा फॉलो थ्रू मिले, हो सकता है, हु नोस, क्योंकि अभी जैसा दिख रहा है मार्केट, मुझे लगता है फॉलो थ्रू अगर मिला तो बड़ा वाला फॉलो थ्रू मिलेगा, अभी रुकेगा नहीं। अगर फॉलो थ्रू देना होगा मार्केट को, बड़ा वाला देगा और रुकेगा नहीं जल्दी से, तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहो कि फॉलो थ्रू देने से आपको वो कैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इंटरडे का निफ्टी का, आपको ये 960 वाला रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ जाकर आपको सेलिंग सिग्नल मिलता है देन ओके, गैप अप देखिए यहाँ पर भी कुछ मिल गया सेल सिग्नल देन आप सेल कर सकते हो। और अगर मान लो कि अब फ्लैट ओपन करके डायरेक्टली टूट रहा है तो आप पहला टारगेट ये रखो, ये अगर फ्लो फ्लो में टूटता है देन ये रखो। और अगर गैप अप दी दे तो आपको बोला है, अगर गैप डाउन दी दे फिर भी बोला है आपको कैसे करना, तो सेम निफ्टी के साथ भी जैसा है, बैंक निफ्टी सेम सब एक ही जैसा है, ट्रेड करना है आपको। हाँ, फिर आपको अभी मिड कैप देख लेते, मंडे को मिड कैप का भी एक्सपायरी है तो देख लेते हैं। मिड कैप का ये 750 10,750 का लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस है,
अगर गैप अप दे दिया इसके ऊपर भी, अगर मान लो गैप अप हो गया इसके ऊपर, ठीक है, देन अगर इसको ब्रेक कर रहा है, देन आप यहाँ पर एक सेल सिग्नल बना सकते हो, सेल ट्रेड कर सकते हो थोड़ा सा आपका डे हाई का एसएल लगा के, देन आपका पहला टारगेट हो जाएगा ये वाला। अगर इसको तोड़ता है देन फ्लो फ्लो में जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मिड कैप बहुत ज़्यादा ही अजीब टाइप का बिहेव कर रहा है। अगर ये एक दिन ऐसा भी हो सकता है 3-4% गिर जाए, क्या पता मंडे को हो जाए वो, देन यहाँ पर 550 तक का भी लेवल आपको मिल सकता है मंडे को। हाँ, तो मंडे को मिड कैप में थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपको दिख रहा है कि मिड कैप में कुछ हो रहा है ध्यान रखना। अगर गैप डाउन भी देता है ज़्यादा, देन फिर आपको वही गैप डाउन के बाद थोड़ा प्राइस एक्शन देखना है, देन आपको सेल करना है। गैप अप होने से भी आपको प्राइस एक्शन देखना है, देन सेल करना है, ठीक है। अगर आपको ये ब्रेक कर रहा है, अगर ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा है देन वोलाटाइल हो जाएगा मार्केट। अगर गैप अप दिया देन पहले हाफ में इसको ब्रेक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेकेंड हाफ में ब्रेक करे ऐसा, तो पहले हाफ में मान लो कि 10:09:15 का ओपन हुआ तो 9:39:45 तक ही ब्रेक करना चाहिए, तब आपका वो ट्रेड बड़ा वाला ट्रेड मिल सकता है। और फ्लैट ओपन होके ये टूट रहा है देन, तो ओके देन यहाँ तक आपका 90 पॉइंट्स का एक मूव मिल सकता है, और ये ब्रेक हुआ देन यहाँ तक और भी 50-60 पॉइंट का एक और एक मूव मिल सकता है। तो ये हो गया पूरा आपका एनालिसिस, मंथली हो गया बैंक निफ्टी, वीकली हो गया बैंक निफ्टी, इंटरडे हो गया बैंक निफ्टी, निफ्टी का भी वीकली मंथली डेली सब हो गया। अब मिड कैप का आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, देन चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और मुझे ट्विटर में भी फॉलो करो, मैं ट्विटर में देते रहता हूँ सब कुछ। और अगर किसी को भी डीमैट अकाउंट खोलना है फ्री का, देन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर कोई डीमैट अकाउंट मेरे लिंक से खोलेगा देन उसके लिए मैं कुछ फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ, देन वो सब मिलेगा उनको, और मुझे मेल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर मेरा मेल आईडी भी है। तो ठीक है, अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाना दोस्तों, और बेल आइकन को दबा के जाओ कि वीकेंड को मैं कुछ अच्छे अच्छे हमेशा वीडियो डालते रहता हूँ। तो तब तक के लिए बाय, और आपका ख्याल रखना।